दोस्तों, श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन समारोह भीषण गर्मी और कड़कड़ाती धूप के बीच शुरू हुआ। इस दौरान सियासी पारा भी खूब चढ़ा रहा। एक तरफ जहां जदयू विधायक ने केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि सावन मेले को राष्ट्रीय दर्जा मिले, तो वहीं बिहार सरकार के भाजपा के मंत्री राम सूरत राय ने राज्य सरकार से मांग कर दी है कि सुल्तानगंज के नाम को बदलकर अजगैबीनाथ धाम किया जाए। दोस्तों, सावन मेला 2022 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस दौरान सुल्तानगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्रियों व विधायक सांसद ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मंच पर सुल्तानगंज के नाम को लेकर सवाल खड़ा हुआ, जब भाजपा नेता सह सूबे के मंत्री राम सूरत राय ने मंच पर से संबोधन के दौरान इसका मुद्दा छेड़ा। दोस्तों, मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि देवघर में बाबा बैजनाथ धाम है। बंटवारे के बाद बाबा बैजनाथ झारखंड में चले गए, लेकिन अभी एक कसक है मेरे अंदर, जो बेचैनी में मेरे अंदर चल रही है। सुल्तानगंज में बाबा अजगैबीनाथ है, यही बहने वाली उत्तरवाहिनी गंगा का जल बाबा बैजनाथ धाम को चढ़ता है। इससे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है, इससे बिहार वासियों को भी ठंडक मिलती है कि मेरे बिहार से ही जल बाबा को चढ़ता है, फिर यहाँ का नाम सुल्तानगंज आखिर क्यों है। दोस्तों, इस जगह का नाम अजगैबीनाथ धाम होना चाहिए। मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि नाम का बदलाव निकाय चुनाव का चुनाव होने वाला है। दोस्तों, चुनाव के बाद मेंबर के लोग प्रस्ताव भेजेंगे, इसे नगर विकास आवास के मंत्री यानी मुख्यमंत्री इस पर सहमति दे, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने सहमति जता दी और आश्वासन किया है कि जल्द ही इस ओर कवायद शुरू की जाएगी। दोस्तों, मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि आज से सब लोग यह घोषित नाम लेना शुरू कर दे। हम लोग वहां बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं तो यहां हम सुल्तानगंज नहीं बल्कि बाबा अजगैबीनाथ धाम आए हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी ध्यान इस ओर लाया और कहा कि इसमें उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। बता दें कि राम सूरत राय के संबोधन के पहले जदयू विधायक ललित नारायण मंडल और जदयू सांसद अजय मंडल ने श्रावणी मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है, जिस पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस मामले पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा बिहार वासियों के लिए, जो अपने अजगैबीनाथ धाम के नाम से शहर को जाना जाएगा। लोग में गर्व की भावना आएगी और वह चाह के बाबा अजगैबीनाथ धाम से जल लेकर बाबा बैजनाथ धाम को जा रहे हैं, यह कहने में भी काफी ज्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि सुल्तानगंज का नाम बाबा अजगैबीनाथ धाम के नाम से जाना जाए और बिहार वासियों के लिए ये काफी गर्व की बात होगी। दोस्तों, अब देखना यह है कि आखिर नीतीश कुमार की क्या राय आती है इस बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार वासी भी और भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर के लोग भी अब सुल्तानगंज को बाबा अजगैबीनाथ धाम के नाम से पुकारना चालू कर दे, ताकि राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेगी और इससे इस स्थान का नाम सुल्तानगंज से बदलकर बाबा अजगैबीनाथ धाम खा जाएगा। दोस्तों, काफी बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए कि सुल्तानगंज के नाम ये काफी सुखदायक नाम बाबा अजगैबीनाथ धाम है। दोस्तों, इस बारे में जो भी न्यूज आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा और इस चैनल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ें और सुल्तानगंज को अब से बाबा अजगैबीनाथ धाम के नाम से बोलना चालू कर दें। इस बारे में जो भी न्यूज आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।